वहाँ डी डी टूडे न्यूज के साथ आप लोगों को अभी नकलऊ एक्सप्रेसवे के पास जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है वहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर उमरेन के लोगों की कट मांगने की डिमांड है, तो मैं यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता जो खड़े हैं अजय दुबे और छोटे, मैं उनसे बात करना चाहते। आप कट के साथ आप कट मांगा था, उस पर आपने क्या कार्रवाई की है? कट के संबंध में मैंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे एमपी सामान्य सांसद जी के लिए, एडीएम साहब के लिए या किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए अभी तक कोई भी पत्राचार स्पष्ट रूप से नहीं किया कि हम यहाँ पे कट देंगे या नहीं देंगे। हम बताते चले कि यहाँ पे पहले भी जब यमुना एक्सप्रेसवे, जब नकलऊ एक्सप्रेसवे बना था, तब भी उमरेन के सैकड़ों लोगों ने कट की डिमांड की थी, लेकिन वहाँ पर कट नहीं दिया गया था। और अब फिर दोबारा से डिमांड की जा रही है, और यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया था क्या? नहीं, अभी और एई साहब और एक्सियन एई और जो कंपनी टेंडर जिसका हुआ है वहाँ की उसके जिम्मेदार अधिकारी भी हमारे समक्ष आए हुए थे, जिसपे ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि मैंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ से एमपी साहब को और प्रमुख सचिव गृह अवस्थी जी को भी अपने पत्र से सूचना प्रदान की कि क्षेत्रीय लोगों की मांग है और विशेष मांग है क्षेत्रीय लोगों की, यहाँ पर कट मिलना ही चाहिए। और अभी तक कंपनी के द्वारा कोई स्पष्ट पत्राचार नहीं किया गया। और इस ताज्जुब की बात यह है, कट मिलने में ताज्जुब की बात यह है कि पिछली सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, ये इधर दिखाइए, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना जनपद में, कहीं भी इस पर कट नहीं दिया गया और ये जनपद में, जबकि कन्नौज में भी कट दिए गए, इटावा जनपद में भी कट दिए गए। तो यहाँ के क्षेत्र की लोगों की जमीनें गई हैं, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की मांग है और ये कट हम लोग लेकर ही रहेंगे, इसके लिए चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े। आप लोगों ने इतनी डिमांड की है, सब लोगों ने डिमांड कर रहे हैं, और फिर भी अगर कंपनी कट नहीं दे रही है तो आप लोग क्या करेंगे? हमने कहा उस दिन तहसील दिवस में भी हमने शिकायत की और जिलाधिकारी महोदय, सक्षम अधिकारी, एडीएम मैडम जी से, मैडम से मेरी बात हुई, मैंने कहा और उसमें स्पष्ट लिखा भी है कि हम लोग दसियों हजार की संख्या में युवा और क्षेत्रीय जनता बैठेंगे और कट की जायज मांग मेरी पूरी करेंगे। और इस संबंध में हम एमपी साहब से भी बात करेंगे, एमपी साहब को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। एमपी साहब से मेरी बात हुई, जो माननीय सुब्रत जी हैं, हम लोगों के एमपी साहब हैं और नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने व्यक्तिगत कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में चूंकि ये स्थान पड़ता है, यहाँ पर कट आवश्यक है, तो मैं सांसद जी से भी बात करूँगा और जरूरत पड़ी तो हजार कार्यकर्ताओं और अपने साथियों क्षेत्रीय जनता के साथ कट के संबंध में। उमरेन कट के बारे में यहाँ पर लोग भीड़ को इकट्ठा करेंगे और यहाँ पर नेताजी से भी इन्होंने कहा है कि अवगत करा चुके हैं ये माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को, फिर भी यहाँ पर अगर कट ना मिले तो ये लोग सड़क पे उतर के पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं, धरना प्रदर्शन का मतलब अराजकता फैलाना नहीं है, हम ये बात नहीं कह रहे कि धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग अराजकता फैलाएंगे। आखिर अरवा कटरा के लोगों को, अरवा कटरा के क्षेत्र के लोगों को आखिर उपेक्षित हर बार क्यों किया जाता है? पिछली पूर्ववर्ती सरकार में भी हम लोगों को उपेक्षित किया गया भाई, हम लोगों के किसानों का मुआवजा सैफई में 28, 30, 50 लाख रुपए दिया गया, हम लोगों को 2,30,000 रुपए दिया गया, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं हम लोगों को उपेक्षित करने का और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ये सुना है कि नेताजी ये कह रहे हैं, ये कार्यकर्ता है, ये सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसी नई खबर लेके आते रहेंगे हम आपके साथ, प्रदीप भैया, डीडी टुडे न्यूज़ से।